नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम कोठारी और आज हमारे साथ हैं बलूजा डिसूजा। सो इनको आपने नचबलिए में देखा होगा और आपने इन्हें बहुत सारी अलग अलग जगहों पे भी देखा होगा। तो आज हमें मौका मिल रहा है इनसे बात करने का, उनसे रूबरू होने का। सबसे पहले बलूजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान पे। हाय, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टू। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको देख के, आपके बैकग्राउंड के बारे में जानने का मन हो रहा है। इतनी अच्छी बैकग्राउंड इस समय पे जहाँ पे लोग अपने घरों में कितने महीनों से हैं, आपके लिए ये लॉकडाउन कैसा रहा और कैसा एक्सपीरियंस रहा? हमारे लिए ही नहीं, आई थिंक सब लोगों के लिए लॉकडाउन वॉज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम और आगे जाके भी इट इज गोइंग टू बी अ टफ टाइम। बहुत सारे सवाल हैं जिनका वी डू नॉट हैव आंसर्स इवन नाउ। पर्सनली, प्रोफेशनली, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम एंड अ टाइम वेयर नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। अब क्या होगा, ये सवाल का जवाब अभी तक यू नो नोबडी हैज इट येट एंड सो मेनी अनसर्टेनिटीज। Our economy has been badly affected. There are people like daily wage workers that do not know where their money is going to come from, how they're going to survive. Again, having parents at home, having kids around, there's so much of pressure that unko nahi hona chahiye. You know, even if our work is such, unfortunately, that we have to physically get to a set and get to a place. This interview, of course, now we are adopting the new normal और ये हम अभी mobile पे कर रहे हैं या internet through the internet, but बहुत सारा there's too much of work that needs for an actor, that needs you to be personally there, and that comes with its own worries के if we get it अलग बात है, but we cannot take COVID back home and be responsible to give it to our parents or to our family. So it is a very difficult time. I think a lot of us were affected personally, whether we've had gone through personal losses or we've gone through people who have had it, and again, work-wise, kaam kab chalu hoga? When is the next paycheck going to come in? And I think those questions are going to be around for a very long time. So we cannot ignore that. Of course, the only difference was that an apartment, and we were fortunate enough to have the outside, the outdoor. I think that is the only difference that essentially was around. But worry was on everyone's mind. Uncertainty was on everybody's minds. Work was not happening for anybody and is still not taken off. So that's summing it up. Yeah. आपका वेब सीरीज आने वाली है, कुछ इस बारे में बताएं कैसे इस लॉकडाउन में। एक तो सबसे बढ़िया बात जो हुई, ओटीटी प्लेटफॉर्म एकदम से आया और छा गया है सब पे, और कहीं ना कहीं ओटीटी की वजह से लोग घर पे बैठ पाए हैं, बहुत टाइम जो है वो अच्छे से निकल गया। आपकी वेब सीरीज आ रही है, इस कैसा है उस पे काम और इस ओटीटी में इस कोविड के टाइम पे कैसा एक्सपीरियंस है, प्रमोशन, मार्केटिंग, डबिंग कैसे हुआ है? हाँ, तो वी वर लकी इनफ कि हमने क्रैकडाउन लॉकडाउन के पहले ही शूट करके खत्म किए थे। नाउ दी ओनली थिंग इज डबिंग रह गया था, सो अडॉप्टिंग अगेन द न्यू नॉर्मल, जो हम कहते हैं न्यू नॉर्मल, घर बैठे बैठे हमने डब किया और वी सेंट द डब्स अक्रॉस एंड दैट गॉट पुट टुगेदर एंड फाइनली वी हैव क्रैकडाउन रेडी फॉर रिलीज। या सो लाइक आई सेड, अपूर्वा had narrated this character to me, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और क्योंकि शायद वो action, it's an action thriller, और मुझे पहली बार action करने को मिल रहा था, so as a challenge I took it up, और बहुत कठिन रहा, because we were rehearsing action for 2 full months, all of us together, Shreya, Saket, Iqbal, myself, और ट्रेनिंग करते करते आई लैंडेड रियली बैडली ऑन माई फुट एंड आई स्प्रेन माई एंकल एंड आई हैड अ लिगामेंट टेयर। तो 3 हफ्ते के लिए आई कुड नॉट वॉक एंड आई हैड माई फुट बैंडेज्ड अप। बहुत फिजियोथेरेपी करने के बाद आई कुड स्टार्ट वॉकिंग और आई डिड माई शूट विद अ बैंडेज्ड फुट। इट वॉज वेरी पेनफुल, बट नाउ ऑफकोर्स वेन यू लुक एट एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन, it all looks great and it's come together beautifully. But through all the aches and pains, मुझे action करने में बहुत बहुत मजा आया और आगे जाके भी I would love to do more action.
तो किस तरह का यू नो आप स्क्रीन पे किस तरह का काम करना पसंद करती हैं और कहाँ अब हम आपको देखने की उम्मीद कर सकते हैं? अभी के लिए फिलहाल आई लव एक्शन. इट आई गेट अ ब्लड रश when I have to throw punches. I don't know where that comes from, but I like it. I am doing some more stuff. Again, everything is on OTT. And I think OTT, the timing of OTT is a blessing because there's a lot of great work that's happening. Or especially for women, there's a lot of work. And they do not. I think OTT does not stereotype you. Okay, nahi, inhone action kiya toh we only see her in an action, you know, स्पेस वो नहीं होता है. एंड आई कैन से दैट विद फुल कॉन्फिडेंस क्योंकि मैं आई एम डूइंग अदर शोज और हर एक कैरेक्टर बहुत अलग है फ्रॉम व्हाट आई एम डूइंग इन क्रैकडाउन. बट क्रैकडाउन इज वेरी स्पेशल टू मी बिकॉज इट्स माय डेब्यू ऑन ओटीटी एंड अपूर्वाज डेब्यू एज वेल. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ब्रिंग दिस टू द ऑडियंस. एंड लाइक यू सेड सब लोग घर पे बैठे हैं सो एवरीबडी इज ग्लूड टू देयर मोबाइल्स और देयर आईपैड्स और ऑन द इंटरनेट वॉचिंग ओटीटी. सो या आई जस्ट होप दैट एवरीबडी वॉचेज इट एवरीबडी लव्स इट एंड आई एम एक्साइटेड. आपके बारे में जो सबसे अच्छी बात यह है कि अमूमन जो लड़कियां होती हैं वो आती है इंडस्ट्री में और सपने देखती हैं कि हम बड़े स्टार के साथ काम करेंगे, खान के साथ काम करेंगे, लेकिन आपने बहुत कम उम्र में शाहरुख के साथ काम किया एक एड में, यू नो वो एक सफर और इतनी कम उम्र में इतने बड़े स्टार के साथ काम करना कैसा रहा, उसके बाद की जर्नी आपकी कैसी रही? सॉरी आई लॉस्ट यू हाफवे. आपने एक ऐड किया था शाहरुख के साथ, आई थिंक आपके विकिपीडिया पेज पे है, उसके बाद की जर्नी आपकी कैसी रही, इतनी छोटी एज में इतना बड़ा यू नो आपको एक मौका मिला वो कैसा रहा आपके लिए? हाँ, आई वॉज 17 इयर्स ओल्ड व्हेन आई गॉट पिक्ड टू डू दिस एड और मैं एक्चुअली आई वॉज एट होम और आई वॉज वेरी सिक और कास्टिंग हो रहा था एंड देन यू नो आई वॉज कॉल्ड फॉर कास्टिंग और मैं बोली आई कैन नॉट, आई एम रियली वेरी सिक. And they didn't tell me that it was a Shah Rukh Khan ad. They just told me it's for Pepsi. But I was really so sick. And anyway, I made it to the audition and I got picked. And I worked with Shah Rukh at the age of 17. And working with him in Fan again after so many years, jo mujhe achha laga is that, you know, all he hasn't changed across the years. He still remains very humble and he loves talking about his family. He loves talking about his children and he is so passionate about his work. And of course, the fact that he's been in the industry for so many years, he comes with a wealth of knowledge. So all in all, for me, it was an enriching and a learning experience. उसके बाद की जर्नी आपकी कैसी रही वलूजा, अगर आप उस बारे में बताना चाहें? Post Fan, I have to say the struggle is real. So it's difficult. There are times when work comes your way that you do not like. I was to be part of Inshallah with Sanjay Leela Bhansali, Post Fan, and unfortunately that did not happen. Again, a dream director for me, even if I had to hold a lamppost in the background and be in his film, I would do that because that's how much I love his work. It's art. It's, you know, it's art in motion. So, and unfortunately that didn't happen. And post that, the other role that excited me was the one I narrate as Garima in Crackdown. So I'm doing things that are that I'm passionate about, that I really love. And Nach Bale was great fun hosting with Manish. Again, I learned so much because he is a stalwart. He's great with his work. He's so quick. You know, he comes up with things to say so quickly. And but again, I had a great time working with him. He's just a great, nice human being. So I've just been fortunate to have worked with people in the industry who are just really nice people. Mm-hmm. ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस लॉकडाउन में, पैंडेमिक में, जहां सारे लोग दो कमरों के घरों पे रह रहे थे, आप एक बहुत ही अच्छी जगह पे रही, आपका टाइम बहुत अच्छे लोगों के साथ बीता. एक वीडियो भी है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रही थी एंड आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है जैकलिन के साथ, सलमान के साथ, बाकी लोगों के साथ. अगर आप उस बारे में बताना चाहें तो वो अनुभव कैसा रहा? हाँ, आई थिंक एज आई मेंशन बिफोर, डिफरेंस बस ये था
कि वी वर इन एन ओपन स्पेस और वो भी इट जस्ट सो हैपन बिकॉज केसेस वर इंक्रीजिंग इन द सिटी एंड यू नो वी डिसाइडेड चलो विद द फैमिली लेट्स जस्ट गो फॉर द वीकेंड बस यही था कि वी विल बी हियर फॉर द वीकेंड और लॉकडाउन अनाउंस हुआ So there were a lot of us here who were very worried about the family that we left behind. You know, Jackie was also her family is away from her. My mother is away from me. So everybody was very stressed. Everybody was on edge. Cases were only rising, and they still are. And again, work stopped. So when is work going to start again? And it was a trying time, and it is a trying time for each and every one of us. Like I said, the only difference is that we had the outdoor. And then through all of this, through all the tough time, through all the crisis, through personal losses, a lot of us know friends and family who are no more today because of Corona. But, you can't come out and just say it, I am not having a good time. I have lost somebody who's close to me, or I have lost a friend. I think that's the only thing we probably didn't come out and say, but we all went through our losses and we all went through our ups and downs. But through it all, to see a human being who is so strong and is a strength to each and every one of us around here, Salman, to stay strong through all of that was an inspiration, is something that I will carry with me forever, because your world can be crumbling around you, you know, and it was. But to have him stay strong through it all and be a source of inspiration and strength to all of us here, and in spite of all of that, go out and help daily wage workers with you know, helping them out. They had no money. How would they survive? And helping villages nearby by sending them sacks of, you know, rice and dal and oil, atta, even toothbrush, toothpaste, soaps, powders. It was inspiring. And I think that's what I'm going to take out of this lockdown and from this, quarantine, that you have to stay strong, because you have to stay strong for your family. You have to stay strong for your friends. It is not easy. Staying strong is not easy. It's very easy to crumble under pressure. But this is something that I have learned, that you need to stay strong. You need to stay focused. अपने आप को फॉर्चुनेट मानती हैं कि आपने उस समय पे भी वहां पे वीडियो जो काफी वायरल हुए थे, सोशल वर्क किया, सफाइयां की, लोगों की मदद की, ऐसे टाइम पे भी आप लोग ये सब कर पाए? हम कर रहे थे. वी वर हेल्पिंग पीपल एंड आई थिंक इफ दैट वर्क वॉज एक्नॉलेज्ड देन दैट्स ग्रेट. If people ended up seeing the videos, that was great. But at a time like this, everything got onto social media, right? Because we were all quarantined. We were all, it was a lockdown. So the only way to reach out to people was through social media. So that was us reaching out. And that was hopefully us inspiring people to lend a helping hand. That means even if you are there for somebody on the phone, and you know, call a friend that you haven't spoken to in a while, or call your neighbor who is probably 80 years old and is living alone and has family who is out of the country. That just means being human. It's as simple as that.